हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा रणदेव स्मार्ट आर्ट। तो जैसे आपको पता ही है, हमारा नवरात्रा स्पेशल वीक चल रहा है, तो इसी के लिए हम लेकर आए हैं अपनी अगली रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस। और ये है नवरात्रा स्पेशल स्नैक्स, आलू के लच्छे। और इसे बनाने की विधि, चलिए बनाना शुरू करते हैं। नवरात्रा स्नैक्स में आलू के लच्छे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 5 आलू लिए हैं, जो कि अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं। एक पानी में धोने के बाद मैंने इसे दूसरे पानी में डाल रखा है। अब हम इसे इसमें से निकालेंगे, और जिस पानी के अंदर हमने इसे डालना है, उसके अंदर हमने 1 लेमन का जूस डालना है। इससे जो आलू हैं उनका जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा। आलूओं को अच्छे से निचोड़ कर इस वाले पानी के अंदर हमने इन्हें ट्रांसफ़र कर देना है। बस बार बार हमने इसे पानी में से निकाला है, 2 बार आलू को हमने पानी में से निकाला है, ताकि इसके अंदर का स्टार्च निकल जाए, और लेमन में डाल रहे हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और इसमें हल्का सा खट्टा टेस्ट आ जाए। अब सारे जो आलू हैं उन्हें हमने डिप कर दिया है लेमन वाटर के अंदर, और इसे हमने लेमन डालकर जो पानी है उसके अंदर डाल के रखना है पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, और अब हमने आलूओं को अच्छे से पानी में से निकाल लेना है, अच्छे से ड्रेन करना है इसके अंदर का पानी। पानी में से निकालने के बाद हमने इसे किसी भी किचन टॉवल के ऊपर डालकर इसके अंदर का जो पानी है वो सोख लेना है। अच्छे से किचन टॉवल पर फैला लेने के बाद हमने किसी दूसरे किचन टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लेना है। एक्चुअल में इसके अंदर जो पानी है उसका कोई बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे तो घी ऊपर की तरफ आएगा, और इसका कोई लॉजिक नहीं है। अच्छे से पानी निकाल लेना है। आलू अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, हमने इसके अंदर का सारा पानी ड्रेन कर दिया है, और ये लच्छों की तरह हो गए हैं। अब मैंने एक कटोरी के अंदर पानी लिया है, थोड़ा सा पानी है, और वार्म वाटर हो सकता है या नॉर्मल पानी ले लेते हैं। और इसमें डालना है सेंधा नमक, 1 चम्मच हमने सेंधा नमक डालकर इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब बारी है फ्राई करने की, तो फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। वेजिटेबल ऑयल या देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप व्रत के लिए यूज़ करें तो देसी घी यूज़ करें। और सबसे पहले हम इसमें फ्राई करें मूँगफली, तो मूँगफली को हल्का सा फ्राई करना है, और इसी तरह से छन्नी के अंदर डालकर इसे फ्राई करना है। ये झट से क्रिस्पी हो जाएगी। 1-1.5 मिनट के अंदर ही मूँगफली फ्राई हो चुकी है, और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अब फ्राई करेंगे कड़ी पत्ता, और ये फ्रेश करी लीव्स हैं, इन्हें हल्का सा ही फ्राई करना है, और इसी में ये क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट है सूखा हुआ नारियल, जो कि हमने स्लाइसेस में कट कर रखा है, इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे, क्रंची हो जाएगा और टेस्टी हो जाएगा। और अब फाइनल वर्क, अब हमने फ्राई करने हैं आलू। बहुत ध्यान से डालने हैं, क्योंकि जो घी है वो पूरी तरह से गर्म है। जैसे ही फ्राई करना है, उसी के साथ जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पे ले आनी है, और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब जो हमने वाटर मिक्स करके रखा था, सॉल्ट है इसके अंदर, सेंधा नमक है, तो इस पानी को हमने फ्राई हो रहे पोटैटो के अंदर डालना है। इससे नमक इसके अंदर चला जाएगा, थोड़े से पानी से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से फ्राई होंगे। और अब हमने फ्राई हो चुके पोटैटो पीसेस को ऑयल में से बाहर निकाल लेना है। इसी तरह से जो बाकी आलू के लच्छे हैं उन्हें भी हमने फ्राई कर लेना है। आलू के लच्छे फ्राई हो चुके हैं, और अब बारी है फूल मखाने की। फूल मखाने को हमने फ्राई नहीं करना, उसके लिए हम इसी पैन के अंदर ले रहे हैं 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसके अंदर हमने फूल मखाने डालने हैं। अब इसके अंदर फूल मखाने डालकर हमने इन्हें अच्छे से सौते करना है, क्रिस्पी होने तक हमने इन्हें पकाना है। हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन नहीं हो जाता। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और अब हम इन्हें अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हमने पूरा मिक्सचर रेडी करना है, इसके लिए सबसे पहले हमने डाले हैं आलू के लच्छे, और इसी के साथ फूल मखाने, वेरी क्रंची मूंगफली, सूखा नारियल जिसे हमने फ्राई किया था, और करी पत्ता। जो करी पत्ता है उसे हमने क्रश करके डालना है, इससे इसका फ्लेवर सारे
स्नैक के अंदर आएगा। अब बारी है मसालों की। जैसे कि आपको पता है कि नवरात्रे हैं, तो मैं सिर्फ इसके अंदर काली मिर्ची डाल रही हूँ और नमक इसके अंदर ऑलरेडी है। अगर आप नवरात्रों के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें आमचूर, चाट मसाला, लाल मिर्ची डाल सकते हैं। अब हमने अपने सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कितना क्रिस्पी बना है ये तो आपको इसकी साउंड से ही पता चल गया होगा। तो फूल मखाने भी अच्छे से क्रिस्पी हैं, सारे का सारा स्नैक्स बहुत ही टेस्टी है और टेस्ट आपको पता चलेगा जब आप खुद इसे बनाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।